नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। प्रोफेसर की तानाशाही के खिलाफ एबीपी ने खोला मोर्चा। 3 दिन में प्रोफेसर को नहीं हटाए जाने पर कॉलेज में करेंगे तालाबंदी। छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना में पदस्थ इतिहास के प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव की मनमानी, तानाशाही और अभद्रता से परेशान छात्र छात्राओं का अब सब्र जवाब दे गया। एबीपी के बैनर तले महाविद्यालय प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर के कारनामों का चिट्ठा खोलते हुए 3 दिन के अंदर हटाने की मांग की। न हटाए जाने पर उग्र आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करने के लिए कॉलेज में तालाबंदी की चेतावनी दी। बताया गया कि 20 सालों से पदस्थ प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव कभी भी छात्र छात्राओं को सही से नहीं पढ़ाते। 100 रुपए वाली पुस्तक 200-250 रुपए में खरीदने का दबाव डालते हैं, विरोध करने पर धमकी देते हैं, जिससे छात्र छात्राएं परेशान हैं। बताया गया कि कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाती, केवल प्रोफेसर अपने निजी यूट्यूब चैनल लिंक की भेजकर लाइक, कमेंट और शेयर करने का दबाव डालते हैं। छात्र छात्राओं ने यह भी बताया, कोई भी प्रोफेसर समय पर कॉलेज नहीं पहुंचता, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई चौपट हो रही है, भविष्य अंधकारमय होने की आशंका से चिंतित है। ज्ञापन के माध्यम से 3 दिवस के अंदर प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव को हटाने की मांग रखी। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन और कॉलेज में तालाबंदी की चेतावनी दी। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय छत्रसाल शासकीय महाविद्यालय पन्ना, छत्रसाल शासकीय महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव जी को हटाए जाने के हेतु आवेदन पत्र मान्यवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देश का ही बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। स्थापना काल से ही शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में निरंतर काम करती आ रही है। महाविद्यालय की छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर विनय श्रीवास्तव जी जो लगभग 15 वर्ष से पदस्थ हैं और पूरे महाविद्यालय में इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, जो महाविद्यालय परिसर यहाँ पे 20 वर्ष से पदस्थ विनय श्रीवास्तव जी इतिहास के प्रोफेसर हैं, जो उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है। वो यहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं और क्लासेस में जो 100 रुपए की बुक्स अवेलेबल होती है वो ला के यहाँ 200-250 में बेचते हैं और बच्चों से ऊटपटांग भाषा में बात करते हैं, धमकियाँ देते हैं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को शीशे से हटा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ऊटपटांग बातें बोलते हैं। क्लासेस लेते नहीं है, क्लासों में जाते हैं तो बच्चों को ये बोलते हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सब जाके करते हैं। और कॉलेज के ग्रुपों में कॉलेज की कोई यूनिफॉर्म नहीं आती है, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, सिर्फ ये अपने यूट्यूब के जो चैनल होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो सब सब्सक्राइब मतलब भेजते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर उनको 3 दिनों के अंदर नहीं हटाया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मालती पांडे, महाविद्यालय मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विनय श्रीवास्तव जी को हटाए जाने पर ज्ञापन दिया गया है। जो विनय श्रीवास्तव को कॉलेज प्रांगण में, कॉलेज कक्षाओं में अभद्र भाषाओं के छात्राओं के साथ प्रयोग किया जाता है और उनका एक चैनल बना है, यूट्यूब चैनल बना है, तो अगर कोई आवाज़ उठाता है तो कहते हैं हम सीसी में वो कर देंगे, नंबर काट लेंगे, और उनको धमकी दी जाती है और क्लासों में जा जाके पुस्तकें भी बेची दी जाती हैं, जो पुस्तकें कहते हैं कि अगर पुस्तकें नहीं लोगे तो मैं सीसी में नंबर कम कर लूँगा, और छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, धमकाया जाता है, गुंडा राज बनाए हुए विनय श्रीवास्तव सर ने। कॉलेज की कोई भी जानकारी नहीं पड़ती है, उनके बल उनके यूट्यूब चैनल की ही जानकारी आती है उसमें। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि विनय श्रीवास्तव सर को हटाया जाए। नई कार्रवाई होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा आंदोलन रहेगा। ज्ञापन सौंपा, किसके नाम से सौंपा? शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है प्रिंसिपल द्वारा। आपका नाम? भूपेंद्र यादव, विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री।